शाहपुरा में ईसीबी की बड़ी कार्रवाई, ईसीबी ने रिश्वतखोर एसडीएम को रंगे हाथों पकड़ा। एसडीएम भारत भूषण ने 3.5 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत, एसडीएम ऑफिस और क्वार्टर को किया सील। प्रदेश भर में सराफा व्यापारियों ने किया बंद का आह्वान, सराफा कारोबारियों को व्यापारिक संगठनों और कृषि उपज मंडियों का मिला समर्थन। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में पिछले 34 दिनों से है हड़ताल पर। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में उठाए जाएंगे कई अहम मुद्दे, बैंकों से पेंशन, पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार, छात्रावासों में सोलर लाइट और अस्पतालों में खाली पड़े पदों को भरने जैसे कई अहम मुद्दों पर होगी बहस। फसल खराबी को लेकर सरकार हुई गंभीर, आपदा राहत के साथ बीमा कंपनियां भी किसानों की करेंगी मदद। गिरदावरी रिपोर्ट में किसानों की खरीफ की फसल खराब होने के सामने आई थी जानकारी, अभी तक किसानों को नहीं मिली थी कोई मदद। भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में आज जोधपुर कोर्ट में होगी सुनवाई, आरोपी पूर्व कैबिनेट महिपाल मदेरणा की जमानत पर SC ST कोर्ट में होगी सुनवाई। आसाराम यौन शोषण मामले की आज जोधपुर सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई, आसाराम समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी, जांच अधिकारी कोर्ट में करेंगे जिरह। प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, खड़े ट्रक से टकराई कार, मौके पर ही कार सवार लोगों ने तोड़ा दम, सभी मृतक प्रतापगढ़ के रहने वाले, NH 113 पर हुआ हादसा।